हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर प्लेस किया है अमेज़न पे। मैंने ऑर्डर प्लेस किया है ये रिंग, 22 कैरेट फिंगर रिंग है, 14 साइज की, मालावर गोल्ड एंड डायमंड की, 22 कैरेट की ये है। पता नहीं कितना दिख पा रहा होगा आपको ऐसे। तो ऑर्डर प्लेस किया है क्योंकि मेरे ना एनिवर्सरी आने वाली है, 7th एनिवर्सरी, तो उसके लिए ऑर्डर मैंने ये ऑर्डर की है रिंग। शायद मैंने अपने लिए फर्स्ट टाइम मैंने खुद से कुछ ऑर्डर किया है गोल्ड का। अदरवाइज़ मेरे पास जितना भी है ना सब कुछ गिफ्टेड है। तो जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया ना तो मुझे लग रहा था यार मैं किसी को तो बताऊँ, किसको बताऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों से। मैंने कहा ठीक है आपको ही बताती हूँ। तो इसको तुरंत पता चलना चाहिए मम्मी का कैमरा ऑन हुआ है। तो जब ये रिंग आ जाएगी, आई होप मेरी एनिवर्सरी से पहले आ जाए, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी क्या है, कितने की है, कितना प्राइस है और पेमेंट कैसे किया है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, तो वो सब आपके साथ में मैं शेयर करूँगी जल्दी ही। अभी ना शाम के 4 बज रहे करीब होंगे, 4:30 हो रहे होंगे, 5 बजे से मेरी मीटिंग है, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। यूजुअली मैं ना इतनी जल्दी, हम लोग 5:30 तक बनाती थे चाय, 5, 5:30, 4:30 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। तो जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मेरी 5 बजे से मेरी क्या इनकी भी मीटिंग है और देवो ने हाथ ऊपर चढ़ा बैठा हुआ है। इसने कि ना नए बेबी हक्का जो मैंने शेयर किया था ना आपसे लास्ट वीडियो में, वो वाला उसने मैच पहना हुआ है और मेरा भी चेहरा अलग सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने ना जो ऑरिफ्लेम की लिपस्टिक आई थी और आईलाइनर वो मैं ट्राई कर रही थी, तो वो लगाया हुआ है। हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। उतरो रे धान, अब नीचे उतर, चोट लग जाएगी बाबू, उतरो। पेट्रोल नहीं है वो, इसको ऐसा लगता है ना इसे पता नहीं घर में हमने क्या छिपा रखा होगा, ये हर समय जासूसी करता रहता है, हर समय कुछ ना कुछ ना ढूंढने की कोशिश करता रहता है। कम रे धान, कम। क्या वो खराब हो गई है? मैं ना बहुत दिनों बाद नीचे आई हूँ। हाँ जब से कोविड हुआ था ना कम से कम हो गया 10-12 दिन पर नीचे नहीं आए थे, नीचे आए हैं। रिधान को संभाल लाना घर में बहुत मुश्किल हो रहा था, वो बार बार ना नीचे जाने की जिद करता था, तो अब तो खैर आ रहा है नीचे क्योंकि वो सबको देखता है, बाकी लोग भी देख होते ही हैं बच्चे नीचे हो रहे तो बहुत कहता है, तो बहुत खुश रहता है, नीचे आकर ना बहुत ही खुश रहता है। अभी पता है क्या हुआ है, आज ना 31st है, तो आज मुझे मेरी सैलरी आई है, नई कंपनी की सैलरी, मतलब मुझे था हाँ कि 31st को तो आएगी, वो आई। और एक चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई, तो मेरी सैलरी तो आई इस कंपनी की, और मेरे पुरानी कंपनी का ना सेटलमेंट भी आ गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वो भी आज हो गया। एक्चुअली क्या होता है जब हम रिज़ाइन करते हैं ना तो हमारे आखिरी महीने की सैलरी वो रोक लेते हैं, बाकी कुछ कुछ चीज़ें और वो रोक लेते हैं। और ग्रेचुटी मेरी पहले आ चुकी थी क्योंकि मैंने 5 साल किए कंप्लीट किए, तो जिस दिन मैंने लैपटॉप सबमिट किया था ना उसी दिन मेरी ग्रेचुटी आ गई थी। और सैलरी रुकी हुई थी मेरी दिसंबर मंथ की, साथ ही हमारी जो छुट्टियाँ बच जाती है ना वो एनकैश करके बेसिक सैलरी वगैरह वो करके वो दे देते हैं, तो उतना वो सब आई। तो मेल्स आनी, पहले तो मैसेज आया बैंक में ट्रांसफ़र का, फिर मेल्स आनी शुरू हुई कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया है। तो जिस इस तरह के जब होता है ना कुछ होता है तो एक अलग सी फीलिंग सी आती है, मतलब बहुत अलग सी फीलिंग होती है, मैं कैसे बताऊँ कि हाँ कि ख़त्म हो गया, कि बस अब ये भी ख़त्म हो गया, अब बस ये भी ख़त्म हो गया, तो इस टाइप की एक फीलिंग सी आती है। और नई कंपनी का तो अभी बस शुरू हुआ है, सब कुछ ट्रेनिंग्स ये सब चल रही है, मतलब चल रहा है वो भी, अपना एक अलग टाइप वो भी था, तो बहुत ही मिक्स टाइप की फीलिंग्स होती है यार ये सब चीज़ें ना, मतलब मैं ऐसी इमोशनल पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ
बट ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ इन चीज़ों में, तो खासकर नहीं हूँ, काम वाम को लेकर मैं इतनी इमोशनल नहीं हूँ, बट फिर भी एक थोड़ा सा होता है फीलिंग, अलग सी फीलिंग होती है जो आपको आती है। डिनर करते हैं, फिर एक और बात करनी है आप लोगों से। गो पकड़ो पकड़ो। अब मम्मी की टर्न है। मम्मी की फुटबॉल तो रखो यहाँ पे बीच में, सेंटर में रखो रिधान, सेंटर में रखो। मम्मा का कौन सा, मम्मा का कौन सा रिधान? ये देखो। हो गया ये, मम्मा का वन हो गया। चलो। तो फाइनली रिधान को सुला दिया। ऐसे सुलाने में ना आधा घंटा लग जाता है, खेल लो, कहानी सुनाओ, फिर पूरी पूरा माहौल बनाओ, तब वो जाके सोएगा अपने सारे ये टॉयस वॉइस लेकर सोता है। आजकल पता नहीं से क्या हुआ है, ये सब सॉफ्ट टॉयस, ये सब छोटे बच्चे वाले जो होते हैं ना, ये सब लेके सोता है। तो बस मैं भी थोड़ा सा अपना थोड़ा सा काम करना, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काम कर लूँ और फिर सोती हूँ मैं भी। पता है, हाँ मैं आपसे क्या बात करना चाहती थी। मुझे कभी कभी लगता है ना, मैंने YouTube पे आके ना अपने 3 साल वेस्ट कर दिए। जून में मुझे 3 साल हो जाएंगे अपना YouTube चैनल खोले हुए, ये वाला। इससे पहले एक और चैनल था, वो मैंने खुद ही डिलीट कर दिया था। वो मैंने खोला था 2017 में, वो 5 साल हो जाते ही, ठीक है। उसको भी कोई वो ठीक था, मतलब बहुत अच्छा ग्रोइंग किया था उसमें, ऐसी 1,500 के करीब सब्सक्राइबर थे, बट उसके व्यूज़ पे भी ठीक आ जाया करते थे। इसमें 6,000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं मेरे, लेकिन बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते। मतलब अगर 100 पहुंच जाए तो मुझे ऐसा लगता है वाओ ये अच्छा चल गया, अदरवाइज सारी वीडियो अमीर उठा के देख लो 50, 60, 70 ऐसे ही, 2 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स वो 70 करते हैं, 100 पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है चल गया, ऐसा वाली हालत है। तो 3 साल मैंने बहुत मेहनत की है यार इस चैनल पे, कंटिन्यूसली मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 3 वीडियोस तो आ ही जाए, और अच्छे खासे छोटे छोटे वीडियोस नहीं होते, बड़े बड़े मतलब 10 मिनट 15 मिनट ऐसे होते हैं, 10 मिनट से ऊपर के ही होते हैं मेरे साथ, क्योंकि व्लॉग से छोटा बनाने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप पूरे जॉब के साथ में फुल टाइम जॉब, इतना छोटा बच्चा, और उस पर आपको घर भी देखना है और अपना ये चैनल भी, चैनल पता ऐसा नहीं है कि मैं एज ए कैरियर सोच रही हूँ या अपने एज ए जॉब को रिप्लेसमेंट या मुझसे से पैसे आने हैं इस वजह से, बट यार एक अच्छा लगता है ना, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये करना, इसलिए कर रही हूँ। बट आपको उसका कोई भी रिजल्ट ना मिले ना तो थोड़ा सा मन वो हो जाता है, मतलब कि क्या कमी कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं ऐसा। मैं मानती हूँ मेरे व्लॉग्स में एकदम परफेक्ट नहीं होते, बहुत एंटरटेनिंग भी नहीं होते हैं, और ऐसे कोई धमाकेदार टाइटल, थंबनेल या धमाकेदार इशू, वो सब मैं नहीं लाती हूँ। देखो यार, मैंने कई बार बोला है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ मसाला होता है, कई बार मैंने ये बात बोली है, और मेरी लाइफ में भी है, बट मैं नहीं चाहती कि ना वो सब चीज़ें इश्यूज़, वो सब चीज़ें YouTube पे लाके डिस्कस करूँ, उनका टाइटल थंबनेल डालूँ, वो सब मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मतलब मुझसे हो गई नहीं वो सब काम। मैं कितने भी धमाकेदार टाइटल सोच लूँ ना, मैं नहीं, मेरे टाइटल बहुत ही सिंपल रहते हैं, व्लॉग्स भी सिंपल, टाइटल भी सिंपल, और फिर ऐसा लगता है क्यों नहीं व्यूज़ आ रही, क्या और क्या करूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी और चैनल्स को देखती हूँ, कुछ चैनल्स में ना तो एडिटिंग होती है ना वॉइस ओवर, पूरा ऐसा बस पूरा का पूरा व्लॉग वॉइस ओवर में निकाल देते हैं, मतलब वो व्लॉग्स की कैटेगरी में कैसे आ सकता है मुझे नहीं पता, बाकी कुछ भी नहीं होता मतलब किसी किसी में तो। और जो व्लॉगिंग चैनल्स होते हैं ना या कोई भी YT चैनल, वो मोस्टली ना क्या होता है कि लक ही होता है, किस्मत होती है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपकी मेहनत, थोड़ा बहुत आपका कंटेंट, टाइटल, आपकी क्रिएटिविटी और बाकी काफ़ी हद तक आपकी किस्मत होती है। थंबनेल्स, टाइटल, ये सब
भी मायने रखते हैं, कंटेंट भी मायने रखता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना वो होती है आपकी किस्मत। आपकी किस्मत तो आपके व्लॉग चल जाएंगे, व्यूज़ आएंगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत नहीं है ना तो ना तो आपका व्लॉग चलेगा, ना आपके व्यूज़ आएंगे, ना आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। 3 साल से मैं लगी हुई हूँ, ऑलमोस्ट मेरे 270-280 वीडियोज़ होने वाले हैं। लास्ट ईयर मेरे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं गए थे, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट ईयर। मैं ससुराल में थी अपने, मुझे खुद कोरोना हो गया था, उसके बाद में सबसे पहले मेरी तो सिस्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, 2-1 महीने वहाँ लग गए। फिर मुझे कोरोना हुआ, कोविड हो गया था मुझे अप्रैल में, और फिर उसके बाद में मेरी फैमिली में डेथ हुई, मतलब बहुत ही क्लोज डेथ हुई, इनके चाचा जी की डेथ हुई, फिर 1-2-3 और बहुत ही क्लोज में डेथ हुई। तो मन ना बिल्कुल मन नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी करने का। और पिछले साल मेरे नहीं आए हैं हार्डली, शायद 20-30 व्लॉग्स या वीडियोस आए होंगे। बट इस अभी मैंने जनवरी में मैं कंटिन्यूसली हर एक दिन छोड़ के हर अल्टरनेट डे में मेरा ब्लॉग जा रहा है, और आप यकीन नहीं करोगे इतना कम व्यूज़ हो गए यार, 50-60-70 व्यूज़, मुझे समझ नहीं आ रहा 6,000 सब्सक्राइबर के 50-60 व्यूज़, मतलब 1% सिर्फ 1% मेरे व्यूज़ आ रहे हैं यार। और अगर ना आधे भी आ रहे होते ना, अगर 6,000 जैसे मैं सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अगर 3,000 भी आ रहे होते ना तो भी शायद मुझे कोई शिकायत नहीं होती। 3,000 व्यूज़ एक आधे भी आ रहे हैं ना, आधे ना आ रहे होते यार, 1,000 भी आ रहे होते ना मेरे, ठीक है फिर भी मैं मानती, चलो ठीक है 6,000 पे 1,000 ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यू रेगुलर रोज का नहीं है मेरा, एक दिन छोड़ के इस वजह से। बट 50-60-70 व्यूज़ मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या करता है वाईटी यार, और इतने भी बुरे नहीं होते, बस मुझे ऐसा लगता है वैसे बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन बुरे तो व्लॉग्स मेरे नहीं होते हैं। एक वर्किंग मॉम के कैसे व्लॉग्स हो सकते हैं ऐसे ही, तो बस यही है। कभी कभी लगता है 3 साल वेस्ट कर दिया मैंने अपने, और कभी कोई मन करता है कि बंद कर देती, छोड़ो यार कहीं क्या रखा हुआ इसमें ना, और कि कुछ फिर भी मैं सोचती हूँ फिर मैं बंद भी करूँ तो क्यों बंद करूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे जॉब लेके चल रही हूँ या मुझे इससे कुछ अर्न करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे तो कि मुझे छोड़ के कुछ और अल्टरनेटिव देखती हूँ। ये एक ऐसे हॉबी ऐसे पैशन की तरह मैं इसको लेके चल रही हूँ, तो ठीक है चल रहा है, व्यूज़ नहीं भी आ रहे हैं तो ठीक है क्या करें। और ठीक है हाँ, और आजकल इंस्टाग्राम पर भी मैं आई हूँ, इंस्टाग्राम का मैं अपना हैंडल आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, और मैं पिन भी कर दूँगी कमेंट, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ अपने फोटोग्राफ्स वगैरह, रिधान की कुछ क्यूट क्यूट सी एक्टिविटीज़ होती है ना वो सब मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर दीजिए बस। तो चलो यार अब जो है जैसा है चल ही रहा है, जब तक मन होगा तब तक मैं व्लॉग्स डालूंगी, अगर मेरा मन बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया तो शायद व्लॉग्स आने भी बंद हो जाएंगे, ये चैनल भी शायद मैं ख़त्म बंद ही कर दूंगी। पर 3 साल के बाद मन नहीं करता यार, मतलब कैसे बंद कर दो, ठीक है डालते रहो, हफ्ते में एक डाल दो, दो डाल दो, ठीक है पता नहीं कब किस्मत खुलेगी, कब लोगों को पसंद आएंगे। तो चलो यार इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।